हेलो व्यूअर्स, आप सबका वाइट लोटस स्पिरिचुअलिटी संतोष शर्मा चैनल में स्वागत है। मैं दोयल बोस शर्मा और आप सबको रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। तो हमारे वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिए और आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा थ्रू योर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आपके प्रश्नों को कमेंट सेक्शन में डालते रहिएगा। आज का प्रश्न जन्म कुंडली के ऊपर है। जन्म के वक्त जो जन्म कुंडली बनती है उसका एस्ट्रोलॉजी में क्या मतलब होता है? क्या ये बस सितारों और ग्रहों का एक स्नैपशॉट होता है या फिर इससे ज़िंदगी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में या हमारे किस्मत के बारे में कुछ गहरा पता चलता है? आइए इसके उत्तर के बारे में सुनते हैं हमारे संतोष शर्मा जी से। नमस्कार। ये हमारा प्रश्नोत्तरी का सेकंड वाला सीरीज में सेकंड और आता है जो कर रहे हैं आज। हम आज कुछ सवाल लेके आई हैं दोयल जी, तो चलते हैं कि इनका सवाल क्या है जानने की कोशिश करते हैं। तो इस एपिसोड का सवाल है, जन्म कुंडली क्या होता है और वो कैसे बनता है? देखिए, जन्म कुंडली जो है, कुंडली का मतलब मैं आपको पहले समझाता हूं। कुंडली इसको इसलिए कहा जाता है कि कुंडली शब्द जो आता है, ये जैसे एक सांप है कुंडली में बैठा हुआ है। मतलब क्या है कि सांप में ये पोटेंशियलिटी है, ये क्षमता है कि ये खड़ा हो जाए, उत्थित हो जाए। तो कुंडली मतलब इतना ही है कि चार्ट में ये बताया जाता है कि पोटेंशियलिटीज क्या क्या है। मानिए चार्ट में देखा कि राजयोग है, मतलब बड़ा होके बड़ा सम्मान मिलने वाला है, यश मिलने वाला है, इसकी संभावनाएं हैं। लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि राजयोग है तो अपने आप राजा बन जाएगा, ये ऐसा नहीं होता है। इसको कहते हैं भाग्यवादी। यदि आप चार्ट में ये देखेंगे कि भी ऐसा अच्छा योग है तो उसके लिए प्रयास करेंगे। आप चार्ट में देखेंगे कि अच्छा योग नहीं है, जैसे कि भाई एक योग है दरिद्र योग, पैसा खोने का, तो आप सतर्क रहेंगे पैसा खर्च करने में, जहां तक पैसा नहीं लगाएंगे। ये होता है कुंडली से फायदा बनाने का फायदा। तो कुंडली जो हम बनाते हैं ये अलग अलग जगह में अलग अलग ढंग से बनाई जाती है। जैसे आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो उसका जो बनता है चार्ट ये अलग टाइप का होता है, साउथ इंडिया में अलग होता है, अब आसाम में जाएंगे, वेस्ट बंगाल में जाएंगे, उड़ीसा में जाएंगे तो उसका अलग होता है। चार्ट के बनाने की विधि अलग अलग है लेकिन चार्ट वही है। जैसे एक कुंडली में 12 घर होते हैं, तो नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में जहां भी जाएंगे तो 12 घर ही होंगे। लगन हाउस ही होगा, भाग्य हाउस, भाग्य हाउस होगा, शादी वाला घर ही होगा, आय वाला घर आय का ही, इनकम का ही होगा, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में डिपिक्शन मेथड अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उसका जो अंदर में जो लिखी होती चीजें वो सब सेम होता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जन्म कुंडली बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। पहले आप किस तारीख को पैदा हुए, दूसरा आप कहां पैदा हुए, और तीसरा किस समय पैदा हुए आप। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप जिस स्थान में पैदा हुए हैं उसका हमको चाहिए होता है लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। और स्थान हो गया, लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड हो गया आपका। समय सुबह हुए हैं, दोपहर हुए हैं, रात हुए हैं, वो देखा जाएगा। और तीसरा हुआ कि किस तारीख को पैदा हुए। अच्छा, पुराने जमाने में तो तिथियों के हिसाब से कुंडली बनती थी लेकिन आजकल इसको सहज साध्य करने के लिए, लोगों को आसानी से इसको पहुंचाने के लिए हम पूछते हैं भी अंग्रेजी में आपका जन्म तारीख क्या है, साल क्या है। आपके बहुत व्यूअर्स का कॉल आता है जो आपसे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनके माता पिता का देहांत हो गया है एंड उन्हें अपना जन्म तारीख याद है, प्लेस याद है, बट समय नहीं याद है। तो अगर समय मैचिंग नहीं है, समय पता नहीं है, तो अनुमानिक कोई समय बताना पड़ेगा। अच्छा, अनुमानिक समय को लेके आपके कुछ जो करेक्टरिस्टिक्स होंगे वो आपको बताना पड़ेगा। जैसे हम देखेंगे भाई आपका स्वभाव कैसा है, गुस्सेल स्वभाव। अच्छा। है क्या आप आलसी हैं, क्या आप एग्रेसिव हैं, क्या, तो कुछ इनपुट चाहिए होगा। तो उसमें क्या, अगर मानिए कि आपको पता है कि शाम को 5:30 बजे लगभग का मतलब ये होगा कि 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो हमको 4, 5, 6 कुंडली अलग अलग समय के बना के आपसे टेली करना पड़ेगा जो आपका स्वभाव हमको आप बताए हुए। अच्छा, तो यदि आपका टाइम एक्यूरेट नहीं होगा तो कुंडली एक्यूरेट नहीं बनेगी। टाइम बहुत जरूरी है जानना। यदि टाइम नहीं है, कुंडली बन नहीं पा रही हो, तो क्या करेंगे आप?
उसके लिए आपकी जो समस्याएं चल रही है जीवन में उसको बताना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि भाई आपको किस ग्रह का समस्या है। अच्छा, मानिए आपका बार बार नुकसान हो जाता है, जो भी निर्णय लेते हैं गलत हो जाता है, तो शनि का प्रॉब्लम हो सकता है। पढ़ाई लिखाई में आपका ध्यान लगता नहीं है, मेमोरी पावर बहुत कम है आपका, हो सकता है बुध का प्रॉब्लम हो। आप गलत गलत बोल देते हैं, हो सकता है गुरु का प्रॉब्लम हो। आप उतावले बहुत हैं, हो सकता है कि मंगल का प्रॉब्लम हो या राहु का प्रॉब्लम हो, या आपको एंग्जाइटी बहुत है, चिंता बहुत करते हैं, तो हो सकता है केतु का प्रॉब्लम हो। तो इस प्रकार से भी हम समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि कुंडली बनाने के लिए तीन चीज का जरूरी है, नहीं होगा तो इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। क्या कुंडली देख के हम करियर के बारे में जान सकते हैं कि हमें कौन से दिशा में जाना चाहिए? करियर का मतलब ये हुआ कि नौकरी भी करने की बात आप कर रही हैं, और नौकरी करना है तो किस लाइन में नौकरी करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, ये भी आपका सवाल हो सकता है। जैसे पेरेंट्स हैं, चाहते हैं कि बच्चे किस लाइन में पढ़ाई करे तो अच्छा रहेगा उनके लिए, है ना। इसलिए मैं बार बार जोर देता हूँ कि बच्चों का कुंडली जरूर बनवाइए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि इसको किस लाइन में प्रोत्साहित करें बच्चों का। दूसरा है कि कई लोग बोलते हैं कि बिजनेस करूं या अपना जॉब करूं, ये सभी चीजें हम चार्ट से पता कर सकते हैं। जैसे चार्ट देख के पता कर सकते हैं भी किसका लॉजिकल माइंड है, किसका एक्सप्लोरेटिव माइंड है, किसका एनालिटिकल माइंड है, किसको किसके पास ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटी है। जब हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपके चार्ट में मंगल का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटी भी है। तो ऐसा व्यक्ति जो है ये डिफेंस में जा सकता है, यदि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ज्वाइन करेगा तो ये अच्छा लीडर भी बन सकता है। तो कुंडली से हम पता कर सकते हैं कि इसके लिए कौन सा लाइन सही है। यदि आपके मन में कन्फ्यूजन है, कई लोग कहते हैं कि मैं जॉब अभी छोड़ के इंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं, कुंडली से पता चल जाएगा कि जॉब छोड़ के यदि ये इंटरप्रेन्योर बनेगा ये फेल होगा या अच्छा करेगा, पता चल सकता है। इसको प्रिडिक्शन नहीं कहता हूं, लोग बोलते हैं कि आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं, प्रिडिक्शन नहीं कर रहे, हम यथास्थिति बता रहे हैं कि आपके प्रोग्रामिंग ऐसा है तो उसके हिसाब से आपको या तो जॉब करना चाहिए या एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं कि लोगों ने बड़े हाई पोस्ट पे थे, जॉब छोड़ के बिजनेस चालू किया और फेल हो गए, ये नहीं होना चाहिए। तो फिर आप इधर ही फेल उधर ही फेल, मुश्किल हो जाता है। तो करियर के बारे में, जॉब के बारे में, और जॉब में किस लाइन में जॉब करना चाहिए, इससे भी आप चार्ट से पता लगा सकते हैं। So, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे एम्प्लॉयज, हमारे एम्प्लॉयर्स सबको सिग्नल मिल रहा है कि कैसे अपने चार्ट के बारे में समझे और करियर के बारे में समझे और सही करियर को चुने। कई बार आपका चुनाव गलत हो जाएगा तो आपको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। वेरी ट्रू। मेरे पास एक लड़की आई थी जो कि गायनेकोलॉजिस्ट थी, यही बेंगलोर में मणिपुर हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट थी, MD थी वो, लेकिन बहुत दुखी थी क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग के तहत देख रहा था मैं, बेसिकली वो एक आर्टिस्ट थी, वो पेंटिंग करना चाहती थी जिंदगी में। घर वालों ने समझा नहीं, माता पिता दोनों डॉक्टर हैं, उसको फोर्स करके उसको प्राइवेट कॉलेज में डाला, MBBS किया, MD के लिए 2 करोड़ खर्चा किया, MD करवाया उसको, लेकिन वो तो खुश नहीं है ना, क्योंकि जो करना चाहती थी, और चार्ट में पूरा क्लियर है कि उसके चार्ट में शुक्र ग्रह जो है ये बहुत उच्च गति है, मतलब उस लाइन में जाती, क्रिएटिव लाइन में जाती, पेंटिंग लाइन में जाती, आर्ट में जाती या म्यूजिक में जाती, बहुत अच्छा करती हो, तो अभी क्या फायदा हुआ, दुखी है। तो वो ऊपर जाएगी कैसे, वो जो गाना कुलिस बनी हुई है उसमें सक्सेसफुल कैसे बनेगी, वो नहीं बन सकती है, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ही अलग है। वो सिर्फ अपना दिमाग दे सकती है, दिल नहीं दे सकती, और दिल दिमाग साथ में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, और दिमाग देने में तो तकलीफ हो रही है उसको, तो यह समस्या हो जाती। कई लोग होते हैं कि इनका चार्ट में मार्स बहुत कम पावर का होता है, लेकिन कहीं देख लिए, मूवी में देख लिए, कुछ देख लिए कि भाई फौज में जाना है, डिफेंस ऑफिसर बनना है, जाते हैं एग्जाम देते हैं फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनमें पोटेंशियलिटी है ही नहीं। यदि मार्स उनका दुर्बल होगा, वीक होगा, तो डिफेंस या पुलिस सर्विस में वो काम नहीं कर सकते, या लीडरशिप रोल IAS है, IPS है, वहां भी दिक्कतें होंगी उनको। तो ये देखना चाहिए कि मेरे अंदर क्या पोटेंशियलिटी है, मैं उसको कैसे बढ़ावा दूं, मेरे अंदर वीकनेस क्या है उसको मैं कैसे स्ट्रेंथन करूं, मेरे अंदर नेगेटिविटी क्या है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करूं, ये आपको राह दिखाया जा सकता है चार्ट एनालाइज करके। इस प्रकार से
चार्ट से बहुत फायदे होते हैं जानने के लिए कि किस करियर की तरफ आपको जाना चाहिए। शादी के पहले माता पिता कुंडली दिखाते हैं लड़के का लड़की का, तो क्या ये शादी के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है? आप जो कह रहे हैं कि शादी में मिलान की बात करते हैं, 36 गुण होते हैं, कितना गुण मिल रहे हैं, 18 गुण से ज्यादा मिल रहे हैं तो रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये जो चार्ट का मिलान किया जाता है ये, इसको मैं ज्यादा सही मानता नहीं हूं, क्यों ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर जो हैं ये सतही तौर पर देखकर रिकमेंड कर देते हैं। मानिए कि आपको 36 में से 25 गुण मिल रहे हैं, बोले रिकमेंडेड हो गया शादी का, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजों को देखना बहुत जरूरी होता है। केवल कितना गुण मिल गए उसको देख के शादी तय नहीं करना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें हैं, जैसे चार दोनों को मिलाएंगे आप, एक होता है योनिकूट मिलान कहते हैं उसको, मतलब उनका फिजिकल कंपेटेबिलिटी कैसा है। पति पत्नी में फिजिकल कंपेटेबिलिटी नहीं है तो संतान संतति कैसे होंगे, दाम्पत्य सुख कैसे प्राप्ति होगी, उनका राशि का मैच नहीं है, बाकी गुण से मिल रहा है, राशि का होता रस, दोनों में मैत्री भाव कैसे होगा, दोस्ती कैसे होगा। मानिए लड़के के चार्ट में सूर्य की चल रही महादशा और लड़की के चार्ट में चल रही है शनि की महादशा, शादी हो रही है तो सूर्य और शनि जो है कॉन्ट्रा फोर्सेस है, तो उसमें समस्या पैदा हो जाएगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि लोग देखते नहीं है। तो ये शादी का मिलान करना, जो लोग समझते हैं एक मिनट में देख के बता देना और आप उस पर बेस करके निर्णय ले लेते हैं, वो एकदम गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत गंभीर विषय है, इसके ऊपर में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको कंसिडर करना चाहिए, फिर ही शादी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो कुंडली से मिलान करके शादी कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से लोग करते हैं आज के जमाने में वो ठीक नहीं है, इसको और विस्तार पूर्वक करना चाहिए। एक शादी के बारे में डिस्कशन करने के लिए केवल एक घंटा दो घंटा ऐसा समय लगता है, पढ़ने के लिए विवेचन करने के लिए समय लगता है, तो लोग इस प्रकार से इसको फॉलो करते नहीं है, जिससे क्या होता है, बोले हमने शादी किया था सब कुछ ठीक था, दो साल में डिवोर्स हो गया। क्योंकि ये फैक्टर्स जो बाकी फैक्टर्स बताए मैंने, ये पूरे फैक्टर्स के बारे में बात यदि हम करेंगे तो किसी वीडियो में करेंगे, पूरा चर्चा करेंगे कि शादी में जो मिलान होता है किस प्रकार से करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या गलती लोग कर बैठते हैं, तो ये आगे चल के कोई वीडियो में बात करेंगे। तो संक्षेप में ये बताना चाहूँगा कि हाँ ये पॉसिबल है, हम कर सकते हैं, ऐसा सिर्फ स्कोरिंग देख के ही हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर फैक्टर्स। यस यस यस, क्योंकि ये पूरे जिंदगी का सवाल है। अभी विदा लेते हैं आपसे, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन का दबाना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार नमस्कार।